गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आप लोग को एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2 बताने जा रहा हूँ, विच आर बिलोंग्स टू चैप्टर 12 हैंडलिंग डाटा, जो हम लोग ऑलरेडी लाइव क्लास में मेंशन कर चुके थे, समझ चुके थे, डिस्कस कर चुके थे। तो चलिए इसमें देखना है एक्सरसाइज 1 को कैसे करना है। रीड द पिक्चोग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। इस पिक्चोग्राफ को रीड करना है, समझना है, पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन क्लास 3 इन टीनी टॉट्स स्कूल। में देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको यह हिंट दिया जा रहा है, की बताया जा रहा है, जो वन स्माइली यानी एक जो पिक्चर्स वो रिप्रेजेंट कर रहा है 5 स्टूडेंट्स को, यानी 5 बच्चे को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं एक स्माइली, एक जो पिक्चर है तस्वीर स्माइली, वो अगर एक स्माइली आप ड्रॉ कर रहे हो दैट मीन्स जो आप 5 बच्चे को रिप्रेजेंट कर रहे हो, यानी एक स्माइली स्टैंड फॉर 5 चिल्ड्रेन। ओके, तो फिर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो सेक्शन है क्लास 3A, क्लास 3B, क्लास 3C, क्लास 3D। ओके, और इसमें पिक्चर बनाया हुआ है। चलिए कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर इसमें आपको देना है। विच सेक्शन हैज़ द मोस्ट स्टूडेंट एंड हाउ मैनी। बेचारा किस सेक्शन में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स है और कितना है। तो आप देख रहे हैं जो सेक्शन बी में 1, 2, 3, आप सेक्शन बी में देख पा रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल जो पिक्चर बनाया हुआ वो 7 है, और एक पिक्चर रिप्रेजेंट करता है कितने स्टूडेंट्स को, तो इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स को। मींस डैट मींस टोटल कितना हो जाएगा, तो 7 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 5 30 5। तो सबसे पहले आप क्वेश्चंस में आपको पूछा जा रहा है विच सेक्शंस हैज़ द मोस्ट स्टूडेंट एंड हाउ मैनी। तो सेक्शंस बी आंसर विल बी सेक्शन बी एंड हाउ मैनी 35। फिर से काउंट करके देख लीजिए, यहाँ पे आप काउंट करके देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल पिक्चर कितना है 7, और एक पिक्चर जो रिप्रेजेंट करता है कितने स्टूडेंट, तो वो आपको करता है 5 स्टूडेंट। तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 5 35। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच सेक्शन हैज़ द लीस्ट स्टूडेंट एंड हाउ मैनी। कौन से सेक्शन में सबसे कम बच्चे हैं और कितने हैं। तो सेक्शन क्लास 3D सेक्शंस में देख रहे हैं जो सबसे कम बच्चे हैं वो है 1, 2, 3, 4, और एक पिक्चर कितना बच्चे रिप्रेजेंट करता है, तो 5। तो 4 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 5 20। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर बी को कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास 3B देन इन क्लास सी। ओके, क्लास सी से में से कितने ज़्यादा बच्चे जो हैं आपको सेक्शन बी में है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पे 2 पिक्चर जो है एक्स्ट्रा है, तो यानी 2 पिक्चर्स इक्वल टू कितने स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स। तो 10 स्टूडेंट्स जो है सेक्शन बी में ज़्यादा है सेक्शन सी से। ओके, क्योंकि 1 पिक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है कितना स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट 5, जैसे कि आपने अभी जाना। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, विच सेक्शन हैज़ 25 स्टूडेंट्स। अब इसमें आप बताइए किस सेक्शन में 25 स्टूडेंट्स हैं। तो जिसमें 5 स्माइली होगा, 5 पिक्चर्स होगा, तो सेक्शन सी में देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 5 पिक्चर्स इंटू 5, यानी एक पिक्चर रिप्रेजेंट करता है 5, तो 5 5 25, तो सेक्शन सी हो जाएगा। ओके डियर, नेक्स्ट लास्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर ऑल टुगेदर इन क्लास 3। और इस क्लास 3 में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो आप इस टोटल को काउंट करके उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ, कितना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, और प्लस 10 कर दीजिए, ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट्स हो जाएगा। ओके, दिस वे आप एक्सरसाइज 1 और को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको देखते हैं। द पिक्चोग्राफ शोज द नंबर ऑफ फ्रूट्स आर सोल्ड बाय मनु इन द डे, आंसर द क्वेश्चंस। ये जो पिक्चर्स में शो कर रहा है, दिखाया जा रहा है, जो मनु जो है फ्रूट्स को सोल्ड किया है, ठीक है। अब नीचे कुछ इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर आपने देना है। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर ए में देखिए, इफ़ द नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड वेयर 40, अगर नंबर ऑफ
एप्पल जो है 40 बेचा गया, तो एप्पल्स का यहाँ है, यहाँ ऑरेंज है, यहाँ मैंगो, यहाँ बनाना, पपाया में अभी नहीं है। अब बताया जा रहा अगर एप्पल जो है 40 बेचा गया तो वन यानी ये वन पिक्चर्स स्टैंड फोर, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कितने पिक्चर्स बनाया हुआ है, यहाँ 1 2 3 4 पिक्चर्स बना हुआ है। और कितना बताया जा रहा 40 बेचा गया, तो सिंपल सी बात है 40 को यानी 40 को आप 4 से डिवाइड कर दोगे, 4 10 40, तो इट मीन्स वन पिक्चर जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, वन पिक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है 10 फ्लोर्स। वन पिक्चर कितना रिप्रेजेंट कर रहा है डियर ऑल, तो 10 फ्रूट्स। आपको ये पता चल गया, अब 10 फ्रूट्स रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप आसानी से आप क्वेश्चंस का रिप्लाई कर सकते हो, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन, ही सोल्ड 30 पपायाज, हाउ मेनी पिक्चर्स, ये पिक्चर्स जो है शुड ही ड्रॉ फॉर द पपाया, पपाया के लिए इसमें कितना पिक्चर्स ड्रॉ करेगा। तो 30 एप्पल बेचा और एक पिक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है कितना 10, तो आप क्या कीजिएगा 30 को 10 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो 10 3 30, तो 3 पिक्चर्स आप इसमें ड्रॉ कर दीजिएगा, रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। ओके नाउ नेक्स्ट, विच फ्रूट डिड ही सेल द मोस्ट एंड हाउ मेनी, कौन सा फ्रूट जो है सबसे ज़्यादा बेचा गया और कितना। तो सिंपल सी बात है मैंगो जो है सबसे ज़्यादा है डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे जो मैंगो जो है सबसे ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक पिक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है कितना, तो आपको 10, तो 10 10 100, टोटल कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 100, यहाँ हाउ मेनी में हो जाएगा 100। एंड विच फ्रूट्स, मैंगो सबसे ज़्यादा बेचा जा रहा है, ही सोल्ड मोर बनाना देन ऑरेंज, यानी ऑरेंज से बनाना कितना ज़्यादा इसने बेचा। तो ऑरेंज में देखिए 1 2, आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, और इसमें कंपेयर किया जा रहा था ही सोल्ड मोर बनाना देन ऑरेंज, और बनाना कितना, तो बनाना में यहाँ पे 20 एक्स्ट्रा किया, क्योंकि देख रहे हैं ना 2 पिक्चर्स एक्स्ट्रा है। अगर आप ऑरेंज और बनाना में कंपेयर करते हैं तो 2 पिक्चर्स एक्स्ट्रा है, तो 2 पिक्चर रिप्रेजेंट करता है कितना फ्रूट्स, एक पिक्चर करेगा 10 तो 2 पिक्चर करेगा 20, तो 20 बनाना जो है ज़्यादा सेल किया गया कंपेयर टू ऑरेंज, ही सोल्ड फ्रूट्स टुगेदर, और सारे फ्रूट्स मिला करके इन्होंने कितना फ्रूट्स, तो सबको आप ऐड करके खुद से कर सकते हो। नाउ डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज टू में देखेंगे आप लोग अच्छे से समझेंगे, स्टडी द ग्राफ्स एंड आंसर द क्वेश्चन। अब नीचे कुछ ग्राफ्स दे रखा है, इस ग्राफ्स को स्टडी करेंगे, समझेंगे और नीचे कुछ क्वेश्चन का आंसर देंगे। ग्राफ्स में आप देख रहे हैं क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस विद डिफरेंट हॉबीज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, हॉबीज़ में क्या क्या है, स्टाम्प कलेक्शन, म्यूजिक, रीडिंग एंड कंप्यूटर गेम्स। यहाँ पे देख रहे हैं ना यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हो गया, राइट। अब चलिए आपने समझ गया, अब नीचे कुछ क्वेश्चन है इसका आंसर देना है आपको। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर हॉबी, सबसे मोस्ट पॉपुलर जो है हॉबी कौन सा है, तो देख रहे हैं 10, इसमें नंबर ऑफ माने 10 स्टूडेंट जो 10 स्टूडेंट्स वो म्यूजिक, उसका हॉबी जो है म्यूजिक है, तो म्यूजिक हो जाएगा। एंड हाउ मेनी चिल्ड्रंस हैव दिस हॉबी, और इसमें कितने हैं, तो 10 है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई भी पिक्चर स्टैंड नहीं है, 10 है तो 10 है। विच इज़ द लीस्ट पॉपुलर हॉबी, सबसे कम आप देख रहे हैं स्टाम्प कलेक्शन, कितना, ओनली 4 स्टूडेंट्स। एंड विच टू हॉबीज आर इक्वली पॉपुलर, कौन सा तो है जो इक्वली है, तो वो है रीडिंग एंड कंप्यूटर गेम्स, जो इक्वली हॉबीज है स्टूडेंट्स का। ओके दिस वे आप क्वेश्चन नंबर 1 को बना सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3B वेयर आस्क्ड अबाउट द स्नैक दे लाइक द मोस्ट द टेबल सो देयर चॉइस। अब यहाँ पे देखिए, समोसा, पिज्ज़ा, डोसा, चिप्स, ढोकला, इसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, समोसा लाइक करता है 10, पिज्ज़ा को लाइक करता है 6, डोसा को लाइक करता है 5, चिप्स 7 और ढोकला ओनली 2। ओके तो इसमें आप क्या करना है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक डिफरेंट, अब यहाँ पे क्या है, जो आपको ग्राफ दे रखा है इस ग्राफ में आपको कलर करना है, जैसे कि डोसा में कितना था, 5 स्टूडेंट था, डोसा को कितना स्टूडेंट लाइक किया, तो 5, तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4 5, 5 बॉक्स को कलर कर देना था। अब यहाँ पे समोसा और पिज्ज़ा को देख लो, तो समोसा में कितना है 10
और पिज्जा में 6 है। तो सिंपल, आप डिफरेंट कलर का यूज़ करेंगे और समोसा में आप 10 है तो 10 को कर देंगे, पिज्जा में 6 है तो 6 को कलर कर दीजिएगा। बस आपको इसमें कलर करना है, शो करना है, ठीक है। और कलर भी आप डिफरेंट कलर से कर देंगे सो दैट कि थोड़ा अच्छा लगे और क्लियर हो जाए। फिर इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इस ग्राफ को पहले कंप्लीट करने के बाद आप फिर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर इसमें, सबसे ज़्यादा कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा बस जब आप इसको अपडेट करेंगे तब आपको कलर से पता चल जाएगा। अभी मैं यहाँ देख के बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा समोसा है, सबसे ज़्यादा समोसा जो है वो पॉपुलर है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक पिज्जाज द मोस्ट, कितने स्टूडेंट पिज्जा, 6 स्टूडेंट, इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। ओके डियर, दिस वे योर चैप्टर 12 हैंडलिंग डाटा हैज़ कम्प्लीटेड, जिसमें ओनली 2 एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2, जो मैंने अभी आपको समझा दिया कैसे सॉल्व करना है, क्या है ये। ओके, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, बना लेंगे। अब हम लोग का रिवीजन होगा फिर से, जो सिलेबस है हाफ ईयरली का रिवीजन करेंगे, एंड एक मेंटल मैथ से सम मोर जो एक्स्ट्रा है उसको भी हम लोग को पढ़ना है। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।